हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलर डांसर एंड कोरियोग्राफर रुपेश सोनी के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ खास बातों को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है रुपेश सोनी, निक नेम है काकू, प्रोफेशन से एक डांसर एंड कोरियोग्राफर है। इनका जन्म 19 मई 1996 को दिल्ली इंडिया में हुआ था। 2024 के हिसाब से इनकी एज 28 ईयर है। अब इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच है। आई कलर ब्लैक, हेयर कलर ब्लैक है। नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई SGTB खालसा बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की और इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएट की हुई है। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। रुपेश सोनी अपनी यंग एज से ही वे भारतीय डांसर और कोरियोग्राफर मुदस्सर खान और रेमो डिसूजा से प्रेरित रहे हैं। उन्होंने 2015 में GTV पर टेलीकास्ट होने वाले डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 5 में एक डांसर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वे टॉप 30 प्रतियोगिताओं में से एक थे, लेकिन शो में 15 में जगह नहीं बना पाए। द डांस वर्ल्ड में हिप हॉप और क्लासिकल डांस शैलियों में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने संस्थान के लिए डांस क्लास देना शुरू किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने छात्रों को पूर्वकालिक रूप से हिप हॉप डांस सिखाना शुरू कर दिया। 2018 में उन्होंने भारतीय डांस दीपिका के साथ वर्ल्ड डांस लीग नामक एक अन्य डांस रियलिटी शो के ऑडिशन में भाग लिया। उसी साल उन्होंने स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले डांस रियलिटी शो डांस प्लस सीजन 4 में गोगल गैंग के एक 3 मेंबर के तौर पर ऑडिशन दिया। ऑडिशन पास करने के बाद गोगल गैंग को पर्पल ट्रॉफी मिली और वह शो में टॉप 13 कंटेस्टेंट में से एक बन गए। शो के मेगा ऑडिशन में टीम टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई। 2019 में दीपिका के साथ मिलकर रुपेश ने स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले डांस रियलिटी शो में डांस प्लस सीजन 5 में हिस्सा लिया था। शो में दीपिका और रुपेश को करिश्मा चौहान ने मेंटर किया था और वे शो के फाइनलिस्ट में से एक बने। वे फिनाले में हार गए और तीसरे रनअप बने। हालांकि उन्होंने शो में लॉरियल परफॉर्मर ऑफ द सीजन का खिताब जीता। अगले वर्ष रुपेश को मराठी डांस रियलिटी शो महाराष्ट्र के बेस्ट डांसर में समीप ढकने नामक एक प्रतियोगिता के गुरु के रूप में देखा गया, जिसे सोनी मराठी पर प्रसारित किया गया था और धर्मेश येलांडो और पूजा सावंत द्वारा जज किया गया था। उनकी टीम शो में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि समीप को 16 फरवरी 2021 को एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा। 2021 में उन्होंने कलर्स TV पर प्रसारित होने वाले डांस रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 में प्रतियोगी पीयूष गुरभेले के कोरियोग्राफर के रूप में भाग लिया। सोनी और गुरमेले ने रियलिटी शो जीता और डांस दीवाने ट्रॉफी 40 लाख रुपए और एक मारुति सुजुकी एस्प्रेसो जीती। और अब 2024 में इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 4 में एज अ कोरियोग्राफर है। तो हमको कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसे लगते हैं। अब इनकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं। तो इनके फादर एंड मदर है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, और इनके एक ब्रदर हैं। और मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं, तो अभी अनमैरिड है। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम दीपिका सोनी है। अब इनकी हॉबीज़ देख लेते हैं, तो इनको डांसिंग एंड ट्रैवलिंग करना पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं, तो ये दिल्ली इंडिया में रहते हैं। इनकी कार्स देख लेते हैं, तो इनके पास कार है मारुति सुजुकी। अब इनकी इनकम देख लेते हैं, तो ये 15,000 रुपये पर एपिसोड का चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ देख लेते हैं, तो इनकी नेटवर्थ 40 लाख रुपये होती है। तो ये थी रुपेश सोनी की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको एक लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।